हेलो एवरीबॉडी, सो वी आर एट बेंगलोर एयरपोर्ट राइट नाउ एंड मैंने शूट नहीं किया था सूरत का जब मैं फ्लाइट में बैठ रहा था, तो उस टाइम पे GoPro चार्ज नहीं था। तो अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज क्या दिन स्टे होगा बेंगलोर में, कल का दिन भी होगा, परसों हम लोग बेंगलोर से निकलेंगे मालदीव्स, जैसे अपने टाइटल में देखा होगा आपने। सो मैं यहाँ से व्लॉग स्टार्ट करता हूँ और ये है बेंगलोर एयरपोर्ट, काफ़ी बड़ा है, सूरत से काफ़ी बड़ा है, पर अभी नया नया सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है सूरत में, सो दैट्स ग्रेट। एंड दिस ब्यूटीफुल सिटी, दिस ब्यूटीफुल वेदर। Hello, what's up everybody? So very good morning and we are right now at ITC Gardenia in Bangalore. और कल थोड़ा इसमें बैटरी इश्यूज़ हो गया था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया जो मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था वो, तो आज कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अच्छे से चार्ज कर लिया इसको। और हम लोग अभी होटल में स्टे कर रहे हैं ITC में बेंगलोर में, और भार्गव सारा डेटा मैनेज कर रहे हैं फिलहाल। सो हमारा प्लान ये है कि कल हम लोग उतरे थे सूरत से बेंगलोर, लैंड हुए थे, और उसके बाद आज बेंगलोर में स्टे करेंगे और आज मिडनाइट में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, चेकआउट कर लेंगे और वहाँ से फिर मालदीव्स के लिए फ़्लाइट होगी जो वाया मुंबई होगी, तो वहाँ से फिर मालदीव्स में होगा चार से पाँच नाइट का स्टे होगा और फिर वापस बेंगलोर आएंगे, और फिर हो सकता है कि हम लोग बेंगलोर में थोड़े टाइम रुकें और थोड़ा सा कंटेंट क्रिएट करें, लाइक डिपेंड करता है कि क्या सीन है, क्या मूड है, सरकमस्टांसिस के, तो वही। सो चलो, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी कल बिकॉज ऑफ सम डाइजेस्टिव इश्यूज, तो वही, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का ही ब्रेकफास्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, तो चलो। सो चलो, सी यू ओवर ब्रेकफास्ट प्लीज। Right now we are going for a breakfast and this lift is not working because Bhargav ne button nahi dabaya. Kya gunda banega re tu? रूम नंबर 1531, थ्री पर्सन्स, 1531 थ्री। सो आई एम हियर एट ब्रेकफास्ट कॉर्नर और मैं आज खाऊंगा इडली विथ पोड़ी पाउडर, टमाटो चटनी, ग्रीन चटनी एंड कोकोनट चटनी। सो हियर इज़ माई ब्रेकफास्ट एंड ये भार्गव का है एंड ऑल्सो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। सो बिकॉज थोड़ा डाइजेस्टिव इश्यूज था तो आई एम प्रिफरिंग काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट लाइक दिस। सो
अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग रूम पे जाएंगे और थोड़ा सा रेडी होंगे, उसके बाद विल गो फॉर सम अदर स्टफ, सम अदर वर्क्स, तो थोड़ा सा प्रोसीजर्स होंगे इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, वो कंप्लीट करने होंगे। सो भाई तो ब्रेकफास्ट करके चलते हैं रूम पे। सो गाइस हम लोग ब्रेकफास्ट करके वापस से रूम में आ चुके हैं और अभी थोड़ा सा रेडी होंगे और उसके बाद बैंगलोर सिटी में निकलेंगे कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने और थोड़े से प्रोसीजर्स कंप्लीट करने हैं, लाइक जो इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए रहते हैं तो वही प्रोसीजर्स कंप्लीट करेंगे और थोड़ा बहुत अगर शॉपिंग करना हुआ तो शॉपिंग करेंगे ताकि अच्छा कंटेंट शूट कर सके, अच्छा आउटफिट्स में शूट कर सके मालदीव्स में। और मेरी तबीयत तो वैसी ही है अभी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, बट मैंने कंसल्ट किया था ऑनलाइन डॉक्टर से, सो आई होप कि वो ठीक हो जाए। और मेरा इंटरनेशनल फर्स्ट, दिस इज़ लाइक माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल, तो ये अच्छे से हो जाए मेरा जर्नी, बस वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। सो चलो हम रेडी हो जाते हैं और उसके बाद अपन चलते हैं कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने या कहीं बाहर। तो गाइस मैंने शावर ले लिया है और मैं रेडी हो गया हूँ, अब हम लोग सिटी में जाएंगे, थोड़ा ट्रैवल करेंगे, अगर कुछ शॉपिंग करने का मन हुआ तो आउटफिट्स खरीदेंगे कुछ अच्छा लगा तो, इन केस ये मालदीव्स में कंटेंट अच्छे से बने तो वही। और अभी नीचे जा रहे हैं, सो कहाँ कहाँ पे जाएंगे वो मैं दिखाऊंगा आपको कि कहाँ पे शॉपिंग करने वाले हैं और क्या चीज़ें ली, वो तो दिखाने से कोई सेंस नहीं बनता, पर कहाँ जाएंगे वो दिखा सकते। सो राइट नाउ वी आर एट ओरियन मॉल इन बैंगलोर एंड यहाँ पे कुछ शॉपिंग करने आए हम लोग, सो यहाँ से अंदर जाते हैं और क्या शॉप करूँगा वो तो बाद में ही देखेंगे अंदर जाके। ओके लेट्स गो। सो गाइस थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है हमने और बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, पर ये जो थोड़ा बहुत समझ में आया हो लिया। और ये ओरियन मॉल है, मतलब अंदर का व्यू है और ये बाहर का व्यू है जो बस बस कर रहा है बस भाई। और बस अभी ओरियन मॉल से निकलेंगे क्योंकि जो शॉपिंग करना था कर लिया, बारगाव में कुछ कुछ लिया, मतलब सब ने मिलकर लिया भाई। और बस वही, तो अभी यहाँ से होटल जाएंगे, थोड़ा बहुत प्रोसीजर है वो फॉलो करके उसके बाद रेस्ट करेंगे और लेट नाइट फ्लाइट में जाएंगे मालदीव्स में। सो भाई वही, तो जो प्रोसीजर्स थे वो ऑनलाइन थे, तो हमने सोचा था कि लाइक बाहर निकलेंगे तो थोड़ी देर कहीं बैठेंगे तो कर लेंगे कंप्लीट, पर ऐसा हुआ नहीं, तो वही वापस होटल पे जाके फॉलो कर लेंगे, नॉट एन इशू। सो चलो फिर चलते हैं होटल पे। तो हम लोग यूबी सिटी से निकल के और फिर कुछ स्नैक्स करने आए थे इधर आसपास, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए मैंने कुछ खास नहीं लिया। हाँ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा चाट वगैरह ये सब नहीं लिया, मैं शुगरलेस मौसमी जूस पी रहा हूँ तो वही मेरे लिए बेटर रहेगा क्योंकि अभी टैबलेट्स वगैरह लिए सो वही। तो यहाँ से होटल पर जाएंगे जितना जल्दी हो सके ताकि प्रोसीजर सारे कंप्लीट कर सकें और कल ट्रैवल थोड़ा स्मूथली हो सके हमारा। सो भाई तो मिलते हैं होटल पे जाके। और यहाँ पे मैंने चाट खाया है, रूम तो यहाँ का अच्छा है, लाइक टेस्ट वगैरह सारा कुछ अच्छा है, मतलब मैंने चाट नहीं खाया, बाहर का खाया तो वो बता रहा है कि टेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छा है, तो इसका नाम तो ऊपर की तरफ लिखा होगा तो लाइक ये रहा। अगर आपको चाट दही पूरी ये टाइप का अगर कुछ भी पसंद है आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो, दैट्स इट। तो मिलते हैं फिर होटल में।
हे गाइस, सो हम लोग होटल आ चुके हैं और सारा कुछ सेट हो गया है और थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, बिकॉज़ यहाँ से मुंबई की फ़्लाइट होगी, फिर मुंबई से कनेक्टिंग फ़्लाइट है टू मालदीव्स। सो वही, तो अभी सब कुछ पैक कर दिया है एंड एवरीथिंग इज़ रेडी, वी आर रेडी टू गो। थोड़ा मैच कर चलो, फिर डायरेक्ट मिलते हैं मालदीव्स में। सो एक्चुअली मेरा और भार्गव का अभी ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल है, सो हम लोगों को पता नहीं था ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में, बट कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं, जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है, आप जहाँ पे जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, और RT-PCR ये वो रिपोर्ट सारा कुछ सबमिट करना होता है, बिकॉज अभी कोविड चल रहा है तो और भी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े टफ हो गए हैं। तो वही, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखे ले जाना होता है वहाँ पे, और इन सब की एक कॉपी चाहिए रहती है आपके पास। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, जैसे मैं कर रहा हूँ फर्स्ट ट्रैवल, तो अगर आपने नहीं किया हो और अगर आपको नहीं पता हो, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जस्ट ऑन या सो आपने भी अगर इंटरनेशनल ट्रैवल मेरी तरह नहीं किया और फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ US डॉलर्स यहाँ से ले जाने होते हैं, तो डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में आप जा रहे हो। सो वही, तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है जो आपको पूरी करनी होती है। अगर आप एक एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो वो आपको सब कुछ बता देगा, इफ़ आप फ्रीलांस जा रहे हो तो फिर आपको सब कुछ खुद ही फिगर आउट करना होगा। सो वही, सो नाउ आई एम हेडिंग टू द एयरपोर्ट एंड विल गो टू मालदीव्स वाया मुंबई। सो Stay tuned. नाउ वी आर एट मुंबई एयरपोर्ट और हम लोग बेंगलोर से यहाँ पर लैंड हुए हैं और यहाँ से मालदीव जाएंगे। सो फिलहाल मैं एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में हूँ यहाँ पे, क्योंकि सोचा कि कुछ हेल्दी ऑप्शन मुझे ट्राई करना चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए, रादर देन गोइंग फॉर सम जंक स्टफ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज़। तो एक ऑथेंटिक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में मैं हूँ फिलहाल, और यहाँ पर कुछ उपमा टाइप का मंगवाया है मैंने, तो वो खाऊँगा, उसके बाद विल बी हेडिंग टू मालदीव फ्लाइट। सो वही, और इसके पहले वाली क्लिप, हर बार ऐसा हुआ है कि जितने भी बार मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड की है, हर बार मेरा फ़ोन रिंग हुआ है, आपने इससे पहले वाली क्लिप्स में भी देखा होगा। सो इट्स क्वाइट इरिटेटिंग बट इट्स फाइन। सो लेट्स ईट सम फूड एंड लेट्स गो टू मालदीव्स। हेलो एवरीबॉडी, सो राइट नाउ आई एम एट मालदीव्स और हम लोग यहाँ पे लैंड कर लिए हैं मुंबई से मालदीव्स, और क्या ब्यूटीफुल जगह है एयरपोर्ट के जस्ट सामने, उस तरफ एयरपोर्ट है और ये पूरा व्यू है, एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आके, और
पास अभी कुछ प्लान तो नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ से जो होटल जाने का टाइमिंग है वो अराउंड 6 o'clock के आसपास है। तो यहाँ पे थोड़ा घूमेंगे और कुछ खाएंगे, तो वही। और लाइक वाइब तो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छा शूट हो सकता है। मेरी हेल्थ थोड़ी और अच्छी हो जाए तो फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा, तो वही। और बाकी सारा कुछ प्रोसेस तो बहुत ईजी था, लाइक ज़्यादा कुछ क्वेश्चन भी नहीं हुए फॉर द पासपोर्ट एंड ऑल स्टफ, तो वो सब तो स्मूथली हो गया। बट यहाँ पे टूरिज़म बहुत ज़्यादा है, लाइक जितना मैंने देखा अभी तक अराउंड 90% के आसपास मुझे टूरिस्ट दिखे यहाँ पे सारे के। सो ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छा वाइब है, बहुत फ्रेश यहाँ पे फील है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, इसलिए टूरिस्ट यहाँ पे आना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो वही, तो अभी थोड़ा घूमता हूँ और देखता हूँ क्या ब्रेकफास्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे, चलो फिर देखते हैं। ऑलराइट, सो द थिंग इज़ कि यहाँ पे एयरपोर्ट पे मतलब मोस्टली चीज़ें सारी कुछ नॉन वेजिटेरियन मिलती है, तो लाइक आई एम अ वेजिटेरियन गाय, तो मुझे इतना कुछ जमा नहीं, और हेल्दी ऑप्शंस भी हैं काफ़ी कुछ हैं, पर मैंने एक ड्रिंक लिया है अभी कोकोनट कैफे, बस वही पीऊँगा और थोड़ी देर में विल हेड टूवर्ड्स आवर होटल। सो वही, जस्ट इट्स एन अपडेट, अ फूड अपडेट, शॉर्ट अपडेट, सो सी यू इन द होटल नाउ। जितना भी जर्नी ला मेरा ठंडा है ना, तो बोल नहीं पा रहा। सो अभी तक जितना भी जर्नी रहा मेरा वो काफ़ी स्मूथ रहा, कोई ऐसे इशू नहीं आया, टेंशन नहीं आया, बस मेरे को थोड़ी स्टमक एक था इसीलिए वो प्रॉब्लम था, बाकी कोई ऐसे मेजर इश्यूज नहीं। यहाँ पे फूड एज़ कम्पेयर टू इंडिया थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा, बिकॉज इज़ आइलैंड, तो यहाँ पे सारा इम्पोर्ट वगैरह करना ये वो, प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। ये मुझे $7 के आसपास पड़ा, बट दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर मी ओवर हियर रादर देन पिज्ज़ा एंड ब्रेड्स एंड पास्ता। सो भाई, और आप देख सकते हो कि क्या वाइब्स है, मतलब बहुत सही है, फ्रेशनेस और रियली फील्स गुड, लाइक मेरे को तबीयत बेटर लग रही है यहाँ पे। सो रेन की वजह से थोड़ा कैमरा पे इशू आ गया था, तो इट रियली फील्स गुड, यहाँ पे आके मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है, सो इट्स नाइस, अमेजिंग। और अभी तो होटल पे हम लोग गए नहीं हैं क्योंकि बोर्डिंग टाइम अभी तक हुआ नहीं है, तो भाई खड़े हैं, चिल कर रहे हैं। मैंने एक लग्जरी होटल में स्टे लिया है, बट अगर आपको लाइक थोड़ा बजट फ्रेंडली ट्रिप करना है मालदीव्स का, तो आप यहाँ पे एयरबीएनबी भी कर सकते हो, और बहुत सारी ऐसे विलास या कोई अपार्टमेंट्स टाइप मिल जाएंगे, जो काफ़ी सही बजट में आपका ट्रिप हो जाएगा।